अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई के जिम संचालकों ने एनएमएमसी से मांगी परमिशन, नए आयुक्त को दिया निवेदन, बोले हमें भी जीने का मौका दो। 4 महीने के लंबे लॉकडाउन ने जिम संचालकों की सेहत बिगाड़ दी है। जिम संचालक आर्थिक संकट में हैं और फिटनेस ट्रेनर और कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। फिलहाल पिछले कमिश्नर एबी मिसाल को निवेदन दे चुके एसोसिएशन के अध्यक्ष रेणुश चंद्रन और सचिव प्रवीण मात्रे ने अब नए कमिश्नर अभिजीत बांगर से गुहार लगाई है और जिम खोलने की अनुमति देने की मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन से 450 से अधिक कर्मचारी भुखमरी और आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमें भी जिम खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए। सरकार का एक मकसद मेरे को समझ में आया कि सरकार को इससे कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आप लाल डब्बे जो चला रहे हो, बस चला रहे हो, एक बस में रहता है कम, ये लोग को परमिशन है 30 लोगों का कुछ, तो हाँ 30 लोग है, 20 लोगों का परमिशन पकड़ो, वो 20 का जो है ना वो 10,000 कारपेट का तो नहीं है, 1,000 कारपेट का तो नहीं है, जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं, हम गाइडलाइन दे रहे उससे भी कम लोग बैठने वाले। ये खुद नियम बनाते, खुद नियम तोड़ते। और अभी एक आप बस स्टॉप देख लिए, 50 लोग के ऊपर आपको भीड़ में मिलेंगे, 50 लोग के ऊपर बस में रहेंगे, हाँ। लेकिन हमारे जिम में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई हेल्थ का इश्यू नहीं होगा, उल्टा जिनका बीपी है कंट्रोल में आएगा, जिनका डायबिटीज़ है वो बच जाएंगे, सब कुछ बराबर चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे खुद के घर का आप माहौल पूछोगे तो मेरे पिताजी को लॉकडाउन में डायबिटीज़ हो गया, हाँ। अब बताओ कोरोना से बचने के चक्कर में दूसरा बीमारी हो गया, हर चीज़ का दवा है, आप उसको नहीं बचा पा रहे, जो जिसका दवा अभी बना नहीं है कोरोना, उससे आप बचने के लिए दुनिया को लॉकडाउन करके रखा है आपने, घर पे बिठा के रखा है। आप ये तो सोचो भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं। अगर ये कमिश्नर साहब हमारे पढ़े लिखे हैं, कुछ समझदार है, तो ये काम करेंगे। अगर नहीं है, पिछले बार वाले को तो मैंने 2 बार दिया है लेटर, कुछ एक लेटर में भी रिटर्न में भी रिप्लाई नहीं दिया, ओरल में तो छोड़ ही दो, रिटर्न में भी नहीं दिया। अगर ये पढ़े लिखे है कुछ तो समझेंगे हमारी बात, हमारी जो है दुखद, हमारी व्यथा सब समझेंगे, हमारे गाइडलाइन दिए हुए समझेंगे। हालांकि ये म्यूनसिपलिटी जो है यहाँ के, उनको तो गाइडलाइन भी सेट करने नहीं आता, हमने सेट करके दिया है, तो उसके हिसाब से तो चलो। आप क्या चाहते हो, हम लोग रास्ते पे आके मर जाए ऐसे भीख मांगे लोगों से? अरे अभी भीख मांग के चल रहे हम लोग, हमारे उधारी इतने चढ़ा हुआ है, इतना हमारा एक्सपेंसेस है। अचानक में आपने बंद करने बोला, 12 तारीख को कुछ तो आया नोटिस, 13 तारीख को बंद कर दो, कैसे ये चलेगा कैसे? गौरतलब है कि नवी मुंबई में तकरीबन 66 जिम और फिटनेस सेंटर एक्टिव हैं। कार्यरत 450 से 500 लोग लॉकडाउन से बेकार हो गए हैं। एसोसिएशन का सवाल है कि जब एपीएमसी और एमआईडीसी को भीड़ के साथ चलाने की परमिशन दी जा रही है, तब उन्हें आखिर क्यों नहीं, जबकि वे 75 वर्ग फुट के डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की पूरी गाइडलाइंस पर काम करने का भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर हम लोग कहाँ जाएं? 4 महीने से हमें इतनी तकलीफ हो रही है कि आज के डेट में लास्ट मंथ पे हमें ऐसे मैसेज आने लगे हैं कि सर आप हमें थोड़ी सी मदद कर दो, नहीं तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। वो हमें मैसेज भी आया, हम लोग ने एनसीबी करके रखी है उसके रिगार्डिंग कि हमें ऐसे मैसेज ना आए। तो इससे हम लोग को पता चल पाएगा कि हमें कितनी दिक्कत आ रही है, हमारे ट्रेनर्स लोग को, उनके फैमिलीज़ को। और आज हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि हमारा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कहाँ से पेड कर पाएंगे? और माफ़ी तो दूर की बात है, लेकिन ये पेड़ कैसे करेंगे ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी पालिका कमिश्नर अभी देखते क्या बात करते हैं, उस हिसाब से फिर आगे चलेंगे। दरअसल जिम और फिटनेस सेंटर कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टअप और सेहत सुधारने में मददगार हो सकते हैं। ऐसे में एसोसिएशन को उम्मीद है कि नए मनपायुक्त जिम को पुनः खोलने की अनुमति जरूर देंगे। देखना होगा कि आयुक्त इस पर कौन सा रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India।